नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल में। आज हम करेंगे दो स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग एक साथ। तो हमारे पास पहला स्मार्टफोन है Realme C2 और दूसरा स्मार्टफोन है Redmi 6। दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा और साथ ही साथ फेस अनलॉक पर। तो बात करें प्राइस की तो दोनों 3GB वेरिएंट है, तो दोनों में आपको 3GB की रैम, 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और कीमत है दोनों की 8,000 रुपये। तो जल्दी से करते हैं दोनों की अनबॉक्सिंग, बने रहे मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो बिना समय गवाए जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोनों स्मार्टफोन आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ, तो जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्स और सबसे पहले नजर डालते हैं कंटेंट में हमें क्या क्या मिलता है। दोनों मोबाइल के बॉक्स को हमने कर दिया है ओपन। सबसे पहले Realme C2 में देखें तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमें एक मिनी बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर हमें मिलता है एक सिम इजेक्टर पिन और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, जिनमें आपको यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड दिए गए हैं, इनको हम साइड में रख लेते हैं। इसके बाद हमें मिलता है मोबाइल, मोबाइल को भी हम साइड में रख के अंदर देखते हैं तो इसमें हमें एक चार्जर अडाप्टर दिया गया है जिसकी आउटपुट रेटिंग देखें तो हमें इसमें मिलता है 5V 2A का, हमें इसमें चार्जर मिल जाता है और बैटरी है हमारी 4000mAh की। साथ ही आपको एक USB केबल दी गई है और ये USB केबल नॉर्मल USB केबल आपको इसमें दी गई है। अब नजर डालें Redmi 6 पे, तो इस पे हमें सबसे ऊपर मिलता है हैंडसेट, इसको हम साइड में रखते हैं। अंदर हमें यूजर गाइड, यूजर मैनुअल मिलते हैं, इनको भी हम साइड में रख लेते हैं। अंदर चार्जर अडाप्टर दिया गया है जिसकी आउटपुट रेटिंग हमें मिलती है 5V 1A का, हमें इसमें चार्जर दिया गया है, बैटरी हमारी 3000mAh की है Redmi 6 में। बाकी आपको इसमें भी मिल जाती है एक नॉर्मल USB केबल और एक सिम इजेक्टर पिन आपको इसमें मिल जाती है। अब नजर डालते हैं दोनों मोबाइल पर, ये है हमारे दोनों मोबाइल। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिम स्लॉट में हमें दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगाने के लिए स्लॉट दिया गया है, मतलब यहाँ पर हमें हाइब्रिड नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारा Realme C2 मोबाइल और ये है Redmi 6 मोबाइल। इसके भी बैक साइड में यहाँ पर हम देख सकते हैं दो स्लॉट दिए गए हैं, एक में हम एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और दूसरे में हम दूसरा सिम कार्ड लगा सकते हैं, मतलब दोनों में आप दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों का फ्रंट लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। हम यहाँ पर स्टिकर हटा देते हैं इससे और ये देखिए दोनों का साइज़ में काफ़ी डिफरेंस है और दोनों को एक साथ देखिए तो यहाँ पर Realme C2 साइज़ में काफ़ी बड़ा है Redmi 6 के मुकाबले। दोनों का बैक लुक आपको दिखा देते हैं, तो बैक साइड में कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें Realme C2 में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता है, रियर में दोनों में आपको ड्यूल रियर कैमरा मिल जाते हैं। डिज़ाइन पे नज़र डालें तो Realme C2 में आपको राइट साइड में पावर ऑन की मिलती है, ऊपर की साइड कुछ नहीं दिया गया है, लेफ्ट में हमें सिम ट्रे और वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं, बॉटम में स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग जैक, माइक और हेडफोन जैक एक साथ आपको बॉटम में मिल जाता है। बैक साइड Realme की ब्रांडिंग की गई है, रियर में ड्यूल कैमरा है 13+2 MP के विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में आपको मिलती है ड्रॉप नॉच जिसके अंदर आपको मिलता है 5 MP का सेल्फी कैमरा। Redmi 6 पे नज़र डालें तो इसमें हमें राइट साइड में पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर एक साथ मिल जाते हैं, ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए और साथ ही आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। लेफ्ट में आपको दो ट्रे दी गई हैं सिम कार्ड के लिए और मेमोरी कार्ड के लिए, बॉटम में आपको चार्जिंग जैक और माइक ही देखने को मिलता है, जबकि स्पीकर आपको बैक साइड में बॉटम में मिलता है। बैक साइड आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, साथ ही आपको रियर में 12+5 MP के ड्यूल रियर कैमरा मिल जाते हैं LED फ्लैश लाइट के साथ। फ्रंट में आपको मिलता है 5 MP का सेल्फी कैमरा। दोनों की पावर को हम कर लेते हैं ऑन, दोनों मोबाइल की पावर हो गई है ऑन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों मोबाइल का इंटरफेस कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, तो काफी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी हमें दोनों में देखने को मिल जाती है। बात करते हैं डिस्प्ले साइज की, तो Realme C2 में हमें 6.1 इंच की IPS LCD मिलती है, एस्पेक्ट रेशो 19.5:9 का दिया गया है और पिक्सल डेंसिटी आपको इसमें 282 PPI की मिल जाती है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको 720x1560 पिक्सल का दिया गया है। थिकनेस है मोबाइल की 8.5mm की और वेट है इसका 166 ग्राम। Redmi 6 में आपको 5.45 इंच की IPS LCD मिलती है, एस्पेक्ट रेशो 18:9 का है और पिक्सल डेंसिटी आपको 295 PPI की मिलती है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपको इसमें मिलता है 720x1440 पिक्सल का और मोबाइल की थिकनेस देखें तो यहाँ पर 8.3 mm की आपको इसमें थिकनेस मिलती है और वेट है इसका 146 ग्राम। Realme C2 में आपको मीन ऐप बाहर से ही मिल जाती है, जबकि स्क्रॉल अप करने पे आपको कई सारी ऐप अंदर भी मिल जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल ऐप भी मिल जाती है जैसे कि Amazon शॉपिंग, डेली हंट, फेसबुक,
पेटीएम जैसी ऐप आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिल जाती है। हालांकि अनइंस्टॉल करके देखते हैं तो यहाँ पर जी हाँ, आप अनवांटेड ऐप को अपने फ़ोन से हटा सकते हैं और अपनी पसंद की ऐप अपने फ़ोन में रख सकते हैं, तो ऐप आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। वहीं नज़र डालते हैं सेटिंग में, तो हम अबाउट फ़ोन सेक्शन में चले जाते हैं और अबाउट फ़ोन सेक्शन में देखें तो यहाँ पर हमें सारी जानकारी दी गई है। स्क्रीन हमें मिलती है कलर OS वर्जन 6.0, एंड्रॉयड वर्जन 9 Pie हमें इसमें मिल जाता है। प्रोसेसर देखें तो इसमें हमें 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। चिपसेट हमें इसमें MediaTek Helio P22 का मिलता है। रैम आपको इसमें 3 GB दी गई है और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें हमें लगभग 21 GB यूज़ के लिए अवेलेबल है। बाकी आप एक्सपेंडेबल मेमोरी को 256 GB तक इसमें बढ़ा सकते हैं। सिक्योरिटी पैच लेवल आपको 5 मार्च 2019 का आपको इसमें मिल जाता है और बैटरी आपको इसमें 4000 mAh की मिलती है। बात करें Redmi 6 की तो यहाँ पर हम देखते हैं तो कुछ इस टाइप का हमें यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें भी आपको कई ऐप प्री इंस्टॉल मिल जाती है, जैसे कि Amazon, PayPhone, Facebook जैसी ऐप आपको यहाँ पर प्री इंस्टॉल मिल जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अनइंस्टॉल करके कि होता है कि नहीं होता है। तो जी हाँ, आप इसमें भी अनवांटेड ऐप हटा सकते हैं और अपनी पसंद की ऐप रख सकते हैं। बाकी इसकी भी सेटिंग में नज़र डालते हैं और यहाँ पर अबाउट फ़ोन सेक्शन में चले जाते हैं तो इसमें हमें डिवाइस नेम दिया गया है। एंड्रॉयड वर्जन हमें इसमें मिलता है ओरियो 8.1.0 का और MIUI वर्जन हमें इसमें मिलता है 9.6.2। प्रोसेसर हमें इसमें भी 2 GHz का ऑक्टा कोर मिल जाता है और चिपसेट हमें MediaTek Helio P22 इसमें भी मिल जाता है। बाकी रैम 3 GB की दी गई है और इंटरनल स्टोरेज 32 GB का है, जिसमें से लगभग हमें 24 GB अवेलेबल है यूज़ करने के लिए और एक्सपेंडेबल मेमोरी इसमें भी आप 256 GB तक बढ़ा सकते हैं। अब नज़र डालते हैं दोनों मोबाइल के कैमरा पर, तो दोनों के रियर कैमरा हमने कर दिए हैं ऑन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिस्प्ले क्वालिटी ये कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है दोनों मोबाइल के कैमरा से, और एक एक पिक्चर हम कैप्चर कर लेते हैं दोनों मोबाइल से। तो ये हो गई है दोनों मोबाइल से पिक्चर कैप्चर, तो जूम करके आपको दिखा देते हैं तो कुछ ऐसी पिक्चर्स हमें देखने को मिलती है दोनों मोबाइल से। यहाँ पर जूम की बात करें तो Realme C2 में आप 4x तक जूम कर सकते हैं, जबकि Redmi 6 में आप 8x तक जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करके भी देख लेते हैं, तो ये है हमारा चार्जर और यहाँ पर हम जूम करके देखें तो 4x तक हमने जूम कर दिया है और यहाँ पर ऑटो फोकस करके हम एक पिक्चर ले लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमें आराम से फॉन्ट समझ में आ रहे हैं चार्जर पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो वहीं हम Redmi 6 से देखें तो यहाँ पर हम 8x तक पूरा जूम कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जूम हो चुका है और इससे भी हमें काफ़ी अच्छे फॉन्ट समझ में आ रहे हैं। तो मगर यहाँ पर हम 4x तक ही जूम रखते हैं और दोनों को देखते हैं किसका जूम हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो ये देखिए दोनों में हमने 4x जूम से पिक्चर ली है, तो यहाँ पर Realme C2 से काफ़ी अच्छी पिक्चर्स हमें देखने को मिल रही है। और ये देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पर Redmi 6 में थोड़ा मंदा हमें देखने को मिल रहा है। वहीं नज़र डालें दोनों के सेल्फी कैमरा पर, तो दोनों के सेल्फी कैमरा हमें यहाँ पर ऑन कर दिए हैं और दोनों से हम यहाँ पर एक एक इमेज कैप्चर कर देते हैं। तो ये है दोनों से ली गई सेल्फी, जो कुछ इस टाइप की हमें देखने को मिल जाती है। बाकी आपको कैमरा में कई अदर फीचर्स मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट का मोड भी मिल जाता है। आपको पोर्ट्रेट से ली गई पिक्चर्स दिखा देते हैं एक, तो ये है पोर्ट्रेट मोड में ली गई दोनों मोबाइल से पिक्चर, जो कि कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। बैकग्राउंड ब्लर हमें देखने को मिल रहा है। अब नजर डालें दोनों मोबाइल के फेस अनलॉक पर, तो दोनों मोबाइल में हमने फेस अनलॉक सेट कर दिया है, दोनों मोबाइल अभी हमारे लॉक है। तो यहाँ पर हम फेस के सामने करते हैं तो और देखते हैं स्पीड किसकी अच्छी हमें देखने को मिलती है। तो दोनों मोबाइल को हमने अनलॉक, तो ये देख सकते हैं दोनों मोबाइल बिल्कुल एक जैसा फेस अनलॉक वर्क कर रहा है। दोनों मोबाइल के साइड्स भी चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो दोनों में हमें ठीक ठाक फेस अनलॉक मिल जाता है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोनों मोबाइल में से आपको कौन सा मोबाइल अच्छा लगा। बिल्कुल एक जैसी कीमत दोनों मोबाइल की है, 8000 रुपये की कीमत में आपको मिल जाते हैं, मगर यहाँ पर बैटरी आपको Redmi 6 में 3000 mAh की मिलती है, जबकि Realme C1 में आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है।
बाकी आपने परचेज किया हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मोबाइल के बारे में अच्छाइयाँ बुराइयाँ आप बता सकते हैं, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी मदद मिले। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।